सेकेंड इनोवेशन फेस्टिवल श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पश्चिमी गांधी मैदान पटना। नमस्ते जी। अमृतिनी न्यूज जो है आपसे जानना चाहता है कि आपकी क्या उपलब्धि है अभी तक। मेरा नाम गोपाल जी हुआ, मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, NIF अहमदाबाद में रिसर्चर हूँ इंडियन गवर्नमेंट का। और मैंने कुछ इन्वेंशन किए हैं, सात आठ इन्वेंशन किए हैं, उसमें से दो तीन इन्वेंशन पेटेंट भी हो चुका है। तो अभी के समय में मैं टाइकोनो पे रिसर्च कर रहा हूँ, और इसके पहले मैंने बनाना बायोसेल बनाया था, पेपर बायोसेल बनाया था, गोपोनियम एलॉय बनाया था, और स्टार लाइट बनाया था, और वाटर एनर्जी पे रिसर्च कर चुका हूँ। फिलहाल मैं टाइकोनो पे रिसर्च कर रहा हूँ। अभी मैं एक इंडियन गवर्नमेंट का 17 साल की एज में सबसे एक रिसर्चर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, जो भारत सरकार के लिए काम करता हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोपाल जी हुआ। गोपाल जी, एक किसान के बेटे होने के बावजूद आपने बहुत ही संघर्ष करके इस उपलब्धि को पाया है, और आपको जो है दुनिया भर के बहुत सारी कंपनियां जो है आपको वैज्ञानिक के रूप में काम करने के लिए आपको आमंत्रण दे रही है, आपको बहुत सारा प्रलोभन भी दे रही है, फिर भी आप भारत की सेवा करने के लिए, आप भारत को ही अपना कार्य क्षेत्र को स्वीकारा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि आपने इस बहाने जो है अपना मातृभूमि से जो प्रेम है उसको दर्शाया है, और विदेशों में जो आपको बुलावा आया है विदेश जा करके, और डॉलरों की बारिश होती है आप पे, लेकिन डॉलरों की बारिश को छोड़ करके आपने भारत माता की सेवा करने का प्रयास किया है, बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और आपने भारत को ही अपना रिसर्च क्षेत्र बनाने का ये कामना किया है, भाव बनाया है, और आपका विशेष जो ये अनुसंधान का क्षेत्र है केला, तो केला पर ही आपने क्यों सोचा कि कैसे ये हुआ कि केला पर ही रिसर्च किया जाए? देखिए सर, हम लोग कौन सी घटना है, हम लोग सब जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने केला को ही क्यों चुना, और हर एक आदमी को अपने अपने क्षेत्र का ही क्यों चुनना चाहिए। तो सुने, अभी जैसे मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, केले की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है, तो हम लोग, हमारे पापा किसान हैं, वो केले की खेती करते हैं। तो मैं भागलपुर बिहार भागलपुर के नौगछिया प्रांत से आता हूँ, जहाँ पे लगभग 37,000 एकड़ में केले की खेती होती है। मतलब वहाँ का जीविका केले के उत्पादन पे ही निर्भर रहती है, वहाँ के किसान वहीं पे निर्भर रहते हैं। तो होता क्या है कि जब कभी कभी समय समय पे गंगा के किनारे है तो बाढ़ आ जाती है, आंधी आ जाता है, तूफान आ जाता है, तो क्या होता है कि केला का थंब जो है, केला का गाछ जो है, वो सड़ जाता है, डूब जाता है, टूट जाता है, तो इससे फसल बर्बाद होती है। तो सारे मतलब जो भी हैं किसान परेशान हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर इसके वेस्ट मटेरियल से कुछ ऐसा चीज़ बनाया जाए ताकि ये वेस्ट होने के बाद भी इसका यूज हो सके, तो फिर मैंने इसी पर रिसर्च किया। और क्योंकि ये हमारे पास आसानी से उपलब्ध हो जाता था, इसलिए मैंने इसे ही चुना अपने रिसर्च के लिए। इस मुकाम पर पहुंचने में आपको बहुत ही संघर्ष करना पड़ा होगा, बहुत से लोग आपको डिस्करेज किए होंगे, और बहुत कम ही लोग हैं जो आपको प्रोत्साहित किए होंगे कि हाँ तुम अच्छा कर रहे हो। देखिए सर, ऐसा सिर्फ चीज़ करने के लिए हमारा कंट्री जो है वो है, क्या कहते हैं, मशीनी कंट्री। हम लोग जो है अपने पहले के समय में 9% आज़ादी से पहले हमारे देश में 9% साइंटिस्ट था, 9% साइंटिस्ट था, और आज आप देखिए 2% भी साइंटिस्ट नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है इस क्षेत्र को लेके, क्योंकि जानते हैं कि इसमें जो है बहुत ज़्यादा दिमाग लगता है, और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और बहुत ज़्यादा फेल भी होते हैं हम लोग। तो इससे क्या होता है, हम लोग टूट जाते हैं, तो हम इसको छोड़ देते हैं, गिवअप कर देते हैं। बस इसे गिवअप नहीं करना है और लगे रहना है, तो देश, राज्य और कंट्री और समाज कोई मायने नहीं रखता है कि आपको क्या कह रहा है। बस अपने लगन, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा लगे रहना है, लगन से लगे रहना है, तो आप 100% देना है। और जहाँ तक बात डिस्करेज की, तो आप जो बात आपको बोलते हैं तो उनसे भी सबका सुनना सबका है। मेरा कहना है कि सुनो सबका, लेकिन करो अपना। जैसे कि जो अच्छा बोल रहा है, जो आपको अच्छा लगे उसे माइंड में रखिए, जो अच्छा नहीं लगे उसे निकाल फेंकिए। बस यही मैंने किया, और
और क्या कहते हैं, मैंने अभी इस पोजीशन पे आया हूँ। कभी निराशा का तूफान भी आपको घबराया? हाँ, मैं निराश हुआ था जब मैं 9th 12th में था, तो मैं जब सिलेक्शन सब प्रोजेक्ट में नहीं होता था इतने अच्छे प्रोजेक्ट बनाने के बाद, हो सकता है कुछ कारणों से मेरा सिलेक्शन ना हो, तो फिर मैं उस समय निराश होता था, लेकिन मैंने गिव अप कभी नहीं किया, मैं इस पे लगा रहा और फिर मुझे इस सिलेक्शन, जहाँ तक कि कलाम साहब ने क्या है, फेल का मतलब फर्स्ट अटेम्प्टिंग लर्निंग, तो मैंने वही रूल अपनाया और फिर 14-15 बार फेल करने के बावजूद भी प्रोजेक्ट में मैं एक बार एक दिन सक्सेस हुआ। और जिस दिन आप सक्सेस हो जाइएगा, आपके पीछे क्या किए कि आपने क्या किया क्या नहीं किया दुनिया नहीं जानेगी, नहीं पूछेगी, बस आपके फेल सक्सेस को देखेगी। बचपन में आप क्या सोचा था कि हम बनेंगे बड़ा होकर आईएएस ऑफिसर या डॉक्टर या इंजीनियर? मैंने सोचा था कि मैंने बचपन में कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या बनूंगा, ना ही मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा आदमी है जो ये बताए। मैं अपने मन से पढ़ाई किया और उसके बाद जो है अभी, मतलब बचपन में मैं सोचा था कि सिंपल सा 10th करना है, 12th करना है, फिर ग्रेजुएशन करना है, फिर सरकारी जॉब, जो इंडियन कल्चर है कि जितने भी माता पिता हैं वो सब चाहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी जो है वो पुत्र है वो क्या कहते हमारा सरकारी नौकरी ले। लेकिन अभी के समय में इंडिया में सरकारी नौकरी बहुत बड़ी किल्लत है। गोपाल तो जी, आपको स्कूली पढ़ाई में क्या अभी कभी ऐसा हुआ कि स्कूली पढ़ाई छूट जाएगी आर्थिक समस्या के कारण? हाँ, मुझे तो 3-4 स्कूलों से भी निकाला गया है। क्यों? आपको जान के हैरानी होगी, ये रिसर्च के कारण। जैसे मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता था, तो ऐसा बात नहीं है कि मुझे नहीं आती थी, मैं रिसर्च में जाता, जैसे जैसे क्या कहते हैं बहुत अगर जाना है तो ऐसे वैसे स्कूल का टाइम जाता था, तो इसके कारण हमारे प्रिंसिपल जो है वो नाराज हो जाते थे। तो फिर और किस बहुत जगह हमारी आर्थिक स्थिति के कारण भी ये सब हुआ था। क्या कभी ऐसा हुआ कि स्कूल का फी आपने समय पर नहीं जमा पड़ गया इसके कारण? हाँ, बातें सुनना पड़ा तो बहुत बार होता है। और वैसे मैं किसान से हूँ, मेरे मतलब आप देखिए मेरे गांव में पढ़ाई का उतना अच्छा माहौल नहीं है, तो फिर ये सब परेशानियाँ आई, लेकिन फिर भी मैं इससे डटा रहा और आगे बढ़ा। ये स्कूली शिक्षक में किसका श्रेय देना चाहेंगे इस सफलता का? मैं चंदन कुमार ठाकुर हैं मेरे सर हैं, और एक शशीष कुमार तिवारी हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और वो मुझे स्पॉन्सर भी करते हैं, आरंभ भारत करके संस्थान है जो मुझे स्पॉन्सर किया है, तो मैं इन दोनों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी, और मेरे पापा मम्मी भाई बहन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी तक जो आपको पुरस्कार मिले हैं, बहुत सारे पुरस्कार की बारिश सफल हो चुकी है, लेकिन कौन सा पुरस्कार है जो कि आप अमृत हिंदी न्यूज़ के दर्शकों को बताना चाहेंगे, या कोई घटना जो कि शेयर करना चाहेंगे आप? घटना तो बहुत सारी, शॉर्ट में ही संक्षिप्त में कौन सा पुरस्कार चर्चा करना चाहेंगे? नेशनल में इंस्पायर अवार्ड मिला हुआ, इंटरनेशनल में भी इंस्पायर मिला कहां, हुआ है, मिला? जापान में मिला हुआ, जापान है, मिला दिल्ली है? में मिला हुआ है, फिर हमें अहमदाबाद में मिला हुआ है इग्नाइट अवार्ड, फिर कोलकाता में मिला हुआ है, बहुत सारे अवार्ड मिले हुए हैं, मेरे लिए सारा कुछ इंपॉर्टेंट रखता है। विदेश तो मैं अभी तक हमें 8 कंट्री से बुलावा आ चुका है। गए कहाँ कहाँ? गए तो मैं अभी मुझे जाने नहीं दिया गया घर से, फैमिली से। जापान तो, आप गए? जापान गया था एक बार। कैसा लगा जापान जाकर? सर अपना देश सबसे अच्छा होता है। अच्छा, ये अच्छा बिहार में जो किशोर वैज्ञानिक हैं, युवा वैज्ञानिक, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं संदेश बस यही देना चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपने काम में 100% दें, और क्या कहते हैं, और अपने ऊपर विश्वास रखें और कभी गिव अप ना करें, और दूसरे की बातों को जो अच्छी लगे उसे ग्रहण करें, जो अच्छी ना लगे उसे ना ग्रहण करें। आधुनिक बच्चे जो हैं वो किताबें नहीं पढ़ते, क्या कहेंगे? देखिए सर, होता क्या है कि आधुनिक हम लोग, अब देखिए आइंस्टीन साहब ने कहा था कि एक कहावत है, अगर मछली और बंदर में दोनों में प्रतियोगिता लगाया जाए कौन पहले पेड़ पे चढ़ सकता है, तो मछली लाइफ टाइम तक सोचते रह जाएगी कि मुझे पेड़ पे चढ़ना है, कैसे चढ़ा जाए। तो उसी तरह का हम लोगों का है, सबके अंदर अलग अलग टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हमें बताया जाता है कि नहीं, अब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वो बोलेगा कि भाई यो डॉक्टर बनो, उसके पापा बोलेंगे IAS बनो, इंजीनियर बनो, IIT बनो, तो वो उस फ्रस्ट्रेशन में, अब देखिए हम लोगों का क्या है कि फैक्ट्री की तरह काम किया जाता है, जैसे फैक्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए सब कुछ मिला के मशीन में डाल दिया जाता है, उसी तरह है हम लोगों का जब बचपन रहता है तो हमें नर्सरी में डाल देता है, डाल दिया जाता है, और उसी तरह हम धीरे धीरे करके 12th में जाके प्रोडक्ट बन के निकल जाते हैं, आसपास देखने का हमें मौका नहीं मिलता है। तो हमारा ये कहना है कि आप अपने आसपास की चीज़ों को गौर करें, ध्यान करें, और हमारे प्रकृति में इतने सारे इन्वेंशन हैं कि आप बहुत सारे इन्वेंशन करके अपने देश को बढ़ा सकते हैं। गरीब परिवार के जो बच्चे हैं उनको क्या संदेश देंगे आप? गरीब क्योंकि वो तो गरीबी में उलझे रहते हैं। टैलेंट है तो गरीबी कुछ नहीं कर पाएगी, बस अपने आप पे विश्वास रखना है, और क्या कहते हैं हम, और सब जगह पार्टिसिपेट लेना, चाहे छोटा छोटा प्रोग्राम क्यों ना हो और बड़ा से बड़ा प्रोग्राम क्यों ना हो, आपको भी हतोत्साहित नहीं होना है। पुरस्कार मिले ना मिले पार्टिसिपेशन होना चाहिए, करना चाहिए बस, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं जब पहली बार पार्टिसिपेट किया था तो मुझे बोलने नहीं आता था,
तो मैंने 2-3 बार में बोलना सीखा, बोलने के बाद फिर आप प्रोजेक्ट बनाइएगा तो आप समझा सकिएगा। गोपाल जी, आप अपना आदर्श किस वैज्ञानिक को मानते हैं? मैं अपना आदर्श भारतीय वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक में हमारे आदर्श हो गए सीवी रमन, और विदेशी, विदेशी में मेरे आदर्श हो गए आइंस्टीन साहब। आपको अमित न्यूज़ के हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं कि आप तरक्की करें और बिहार का नाम रोशन करें दुनिया भर में, और आपको भी आइंस्टीन की तरह दुनिया भर में जाना जाए, गोपाल जी की तरह और जगदीश चंद्र बोस की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया।